हे एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो मैंने अभी माइक इसलिए यूज़ किया क्योंकि मेरी रूममेट सो रही है एंड मैं उसे डिस्टर्ब करना बिल्कुल नहीं चाहती फ़ैन ऑफ करके, क्योंकि फ़ैन ऑन में मेरी आवाज़ जो है वो क्लियरली आप लोगों तक नहीं आएगी, क्योंकि मैं बहुत कस के नहीं बोल सकती। मेरा आवाज़ भी बहुत ज़्यादा भारी हो गया है एंड आप देख सकते हो मेरा आइज़ भी पफी लग रहा हो, क्योंकि कल रात में ना मुझे सोने में बहुत लेट हो गया, लाइक 2 बज गए थे, क्योंकि मेरे सर में बहुत गंदा अटैक आया। मतलब क्या बोलूँ, बहुत कस के पेन कर रहा था। मुझे माइग्रेन वगैरह नहीं होता है, बस अचानक से ना हेड पेन शुरू हो गया, वो भी इधर, और वो ऐसा था ना कि एकदम जा ही नहीं रहा था। लास्टली मुझे पेन किलर लेना पड़ा एंड फिर थैंक्स टू माय रूममेट तन्वी, जिसने बहुत देर तक, लाइक अराउंड 45 मिनट्स तक मुझे अच्छे से हेड मसाज दिया, फिर जाके मैं सोई हूँ। एंड अभी उठने में बहुत लेट हो गया, 8 बज गए। मुझे आज बहुत सारा काम था, कपड़े भी धोने थे, देखते आज धो पाती हूँ या फिर कल धोऊंगी, देखते क्या करते हैं, क्योंकि टाइम नहीं है, कॉलेज भी जाना है, सो ऑलरेडी वी आर लेट। तो अब बाकी बात बाद में करते हैं, उठती हूँ, फ्रेशन अप हो लेती हूँ एंड फिर रैंडमली आप लोगों से जो भी होगा वो शेयर करती हूँ। सो मैं फ्रेशन अप हो चुकी हूँ एंड नाश्ता लेकर भी आ गई हूँ। सो आज मुझे नाश्ते में क्या मिला मैं दिखाती हूँ। नाश्ते में है रोटी। सो ये मैंने टिफ़िन में डाल लिया क्योंकि मुझे आने में लेट हो सकता है। मम्मा ने कल भेजा था मेरे लिए, ये भूंजा हुआ मखान है घी से और नमक से, और ये है मूँगफली, दोनों ही फ्राई किया हुआ है। सो मैंने टिफ़िन पैक कर लिया है एंड दोपहर के लिए जो टिफ़िन है मेरा वो तन्वी लेकर जाएगी, क्योंकि अभी मुझे बिल्कुल मन नहीं कर रहा ऊपर जाने का, तो जब वो खाना खाने जाएगी तो ऊपर रख देगी। एंड टिफ़िन इसलिए क्योंकि अगर आप किसी भी टाइम पे नहीं रहते हो अवेलेबल यहाँ पे, तो आप अपना टिफ़िन रख दिया करो, यहाँ का ऐसा रूल है, एंड फिर वहाँ पे खाना डाल दिया जाएगा, फिर जब आप आते हो तो वो लेकर खा लेना है। एंड सो मेरा टिफ़िन जो है वो तन्वी ऊपर लेकर रख देगी, फिर जब मैं आऊँगी तो लेकर आऊँगी ऊपर से, एंड उसके बाद आप लोगों को शेयर करूँगी कि क्या है आज का लंच। आज का लंच थोड़ा स्पेशल होता है, मेरा फेवरेट रहता है, आई होप सो कि वही रहे, क्योंकि कभी कभी चेंजेस आ जाते हैं। एंड अभी मेरा टिफ़िन पैक हो गया है, थोड़ा रूटीन देख लेती हूँ एंड थोड़ा रेस्ट ही करूँगी, क्योंकि सन हैवीनेस जैसा लग रहा है। एंड कॉलेज के लिए रेडी होंगी तो आप लोगों से मिलती हूँ। सो मैंने अपने भाई के लिए कुछ मंगाया था, वो अभी आया है, पापा दोबारा आएंगे तो उसके लिए लेकर जाएंगे। तो मेरे भाई के लिए मैंने मंगाया है अमूल का चॉको मिनीस और इधर है कुरकुरे, ये दोनों मैं गोपाल को दे रही हूँ। सो गोपाल देख लो मैं कितनी अच्छी हूँ, तुम्हें भी कुछ कुछ पापा से भिजवाना चाहिए था मेरे लिए स्पेशली। आज तो मैं इतनी बुरी तरह लेट हो गई हूँ ना कि टाइम ही नहीं मिला थोड़ा सा भी शूट करने का, मतलब मैं सो गई थी क्योंकि हेड जो था वो बहुत हैवी हो गया था, तो मैं सोई हुई थी। अभी वेट करती हूँ यहाँ पे बृंदा का। बृंदा तुम बहुत जल्दी आ गई, इतना जल्दी क्यों आई? लेट हो रहा क्लास, जल्दी चलो। चलो क्लास लेट हो रहा है, हम लोग सीधा क्लास पहुँच के मिलते हैं। सो हम लोग क्लास पहुँच चुके हैं। बृंदा कुछ बोलना चाहती हो? फैन ऑन नहीं है, फैन ऑन नहीं है, बहुत गर्मी है, लाइट है बट फैन ऑन नहीं है। क्लास में बहुत भीड़ है, मैं दिखा रही हूँ। ऑब्वियसली क्लास है तो भीड़ तो हो गई ना। कुछ बोलो ना बृंदा, देखो इसको बोलना नहीं आया अभी तक। बृंदा चलो कुछ बात करें, कैथरीन को हम मिस कर रहे हैं ना, तुम आओगी कल, और कल हम मिलाएंगे अपने ब्लॉग में किससे? किसे? कल कौन आ रहा है? कल के व्लॉग में कौन आएगी? ये सो अभी जस्ट क्लास खत्म हुआ है, मैं कॉरिडोर में हूँ, अभी जा रही हूँ जूलॉजी क्लास करने के लिए। सो अभी हम निकल चुके हैं कॉलेज से। देखो हम लोग, हमें कितना सेलिब्रिटी हो रहा है ये देखो। देखो अभी कैसे बुलाएंगे हम लोग को सब, देखना। अरे हमेशा ये लोग बुलाते हैं, है ना बृंदा? और आज बुलाए ही नहीं, मैंने कहा देखना कैसे बुलाएंगे, तो कोई बात नहीं। और कॉलेज में कुछ भी शूट करने का टाइम नहीं मिला, मुझे लगा था एक क्लास होगा 11:40 से 12:30 तक, उसके बाद ब्रेक होगा, बट नहीं, दूसरा क्लास भी था। तो अभी मैं सीधा रूम जाके आप लोगों से मिलती हूँ, क्योंकि डेली डेली बृंदा को नहीं आना है ब्लॉग में, वो ऐसा बोल रही थी तो मुझे डेली डेली क्यों लाती हो। तो फिर अब रूम जाके मिलती हूँ मैं आप लोगों से। सो मैं हॉस्टल आ चुकी हूँ एंड आज यास्मिन दीदी भी आने वाली है, एंड अभी जल्दी से ड्रेस चेंज करते हैं एंड खाना लेकर आऊँगी, जो कि टिफ़िन ऊपर तन्वी ने डाला था, एंड अभी खाना लेकर आऊँगी एंड फिर आपको दिखाऊँगी। एंड आप में से किसी ने कमेंट किया था कि मैं बहुत ज़्यादा खाना खा रही हूँ, दिन भर सिर्फ खाना कहीं दिखा रही हूँ, तो अब क्या ही कर सकती हूँ, जो होगा वही दिखाऊंगी। अब क्लास में बिना टीचर के परमिशन का वो क्या पढ़ा रहे हैं वो तो रिकॉर्ड नहीं कर सकते, इनको बहुत बोरिंग भी हो जाता है,
एंड क्लास के टाइम पे ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल रहेगा उनके लिए भी, एंड दो वो लोग नहीं भी देखेंगे तो थोड़ा बुरा लगता है, खुद का भी एक मैनर्स होना चाहिए. सो इसलिए मैं क्लास के टाइम पे जब पढ़ाई होती रहती है या फिर जब मैम अंदर रहती है तो वीडियो नहीं लेती हूँ. सो आप कहते हो कि खाना वाना, तो उसके अलावा यही चीज़ जो है रेगुलर वही तो दिखा सकती हूँ, तो जो है वो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ. थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा क्योंकि अभी मैं न्यू हूँ तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि डेली ब्लॉग्स में क्या क्या डालूँ. वैसे आज डेली ब्लॉग्स बना रही हूँ बस इसीलिए शाम में कहीं बाहर जाएंगे ताकि कुछ शूट कर पाएँ हम, एंड अगर बाहर में कुछ अच्छा मिले तो आप लोगों से शेयर करूँगी. सो ये है मेरा इतना छोटा सा टिफिन एंड इसके अंदर क्या क्या है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ. सो आज मुझे मिला है यम्मी सा चिकन बिरयानी, मतलब टेस्टी रहता है, चिकन दिख ही नहीं रहा. सो मुझे मुश्किल से एक चिकन मिला, ऐसा दो पीस चिकन मिलता है बट देखो और कहाँ है आई डोंट नो, ये रहा शायद, ये रहा, यस सो मिल गया. सो ये चिकन बिरयानी है और इसका रायता जिसमें ये शायद बूंदी का रायता है ना, हाँ ये बूंदी का रायता है. चलो अब मैं अब मैं जल्दी से खा लेती हूँ, मुझे बहुत इसकी भूख लगी है. यास्मिन दीदी आ चुकी है बट उनका नौटंकी बहुत ज़्यादा रहता है कि हमको मत दिखाओ ये वो, कोई इनको किडनैप करके ले जाएगा मेरे ब्लॉग में आने से. सो क्या ही कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत सुंदर है इसलिए अपना सुंदरता दुनिया को दिखाना नहीं चाहती है, नज़र ना लग जाए उनको. अपना सुंदर चेहरा वो कभी नहीं दिखाएंगी मेरे चैनल पे, जब वो खुद का ब्लॉग बनाएंगी तो देख लेना आप लोग. मैं क्या कर रही थी तन्वी थे देर से फोन चला रही थी, सोई नहीं, नई वीडियो एडिट की है. और अभी हम लोग कहाँ जा रहे, और अभी हम लोग किचन लेने जा रहे हैं, मेरा चाबी है. तो अभी हम जा रहे हैं मुर्गी लेने, पूनम को मुर्गी लेना है. मुर्गी लेना है, हाँ मुर्गी लेना है. क्यों? और इसको काट के बनाएंगे हम लोग. मुर्गी नहीं, मुर्गा को काटा जाता है बेवकूफ. ये मुर्गी खाती है. तुमको क्या लेना है? लेना है. और मेरे को इसके लिए मेरे को बोरो प्लस लेना है. ये पूनम को देखो साथ में निकलती है और अलग हो जाती है एक कोने में. हम लोग को बोली हाँ. भी नहीं आओ हम लोग के पास. देखो गिर गया, भगवान जी ने उसे गलत किया. जाओ तुम उधर ही रहो. अभी पूनम ले रही है चाय और हम लोग जल्दी से घर जा रहे हैं. और ये उसका मूढ़ी जो वो छुपा के लेके जा रही थी स्टॉल में क्योंकि नजर ना लग जाए. हमको मिल गया. तो अब मैं आ चुकी हूँ बिना कुछ लिए. अब खाएंगे हम सो पापड़ी और कुछ नमकीन, आलू भुजिया. हाँ आलू भुजिया, चलो खाते हैं. फिर आपको लगेगा हम सिर्फ खाने का दिखाते हैं. ओह गॉड क्या. सो ईशा कुछ कहना चाहोगी? हम लोग कहाँ जा रहे हैं? पता नहीं सच में. कहाँ जा रहे हैं हम लोग? किचन लेने. तब से किचन ही ले रही है लड़की. किसको ना तो ये देखो ईशा जा रही है छोड़ के, तो उसको हम लोग फेयरवेल है. फेयरवेल पार्टी है ईशा. तुमको फेयरवेल दे रही है तो समझ में आ रहा है, पर हम लोग क्यों खा रहे हैं हमको ये समझ नहीं आ रहा. फायदा कंपनी दे रहे हैं हम लोग. हाँ गेल अच्छा नहीं लग रहा. हम जा रहे दीदी, हम जाते जाते आपको बहुत मिस कर रहे हैं. क्यों ईशा? पर हम तुमको बिल्कुल नहीं आ रहा. कौन काम करने वाले ब्लॉग के लिए? अभी 7:05 बाकी है इसलिए हम लोग 7 बजे का तो हम लोग 7 बजे में 5 मिनट बाकी है. क्यों हम लोग पहले जाएं है ना? 5 मिनट बाकी है, थोड़ा टहलते. हवा अच्छा यार, बहुत गर्मी लग रही है उधर है ना, एकदम चटचट चटचट अंदर, एकदम चटचट चटचट वाला गर्मी है. चट भी 3 मिनट बाकी है तो थोड़ा हम लोग यहाँ पे टहल लेते हैं. अभी जगह नहीं दिखाऊंगी वरना आपको पता चल जाएगा कि हम कहाँ है. सो अभी मेरे साथ एक बहुत डरावना चीज हुआ है. मेरे रूम से बहुत अजीब अजीब आवाज आ रही है और लाइट भी चला गया है और भूत भी है. ओ गॉड ये क्या है? और ये भूतिया आवाज, जो हमने हॉन्टेड सब मस्ती किया था वो बाहर से एक लड़की आई थी करने के लिए है ना ईशा और तन्वी. हाँ तो अभी हम नीचे बैठे हुए हैं भिखारी जैसा और यहाँ पे हम सुनेंगे भूतिया स्टोरी. एक और दीदी है जो कि बहुत महान है, वो आना ही नहीं चाहती क्योंकि वो मिस वर्ल्ड है. हाथ आपको देखने का मौका मिल गया तो आप बहुत लकी है. एंड अभी हम सुनेंगे भूतिया स्टोरीज क्योंकि अभी कुछ है नहीं फन करने को, तो भूतिया स्टोरी सुनूंगी. सो वो सुनने के वक्त जो जो रिएक्शन होगा कुछ कुछ डरावना तो वो मैं आपसे शेयर करूंगी, तो करूंगी नहीं तो फिर बाद में मिलते हैं भूतिया स्टोरी सुन के.
चलो ध्यान से देखते हैं कितना भी डराने नहीं भाई तो कैसी खोखली डॉल है तकिया नहीं तकिया बाप रे बाप तो रात में कहीं दिख गया तो मेरा तकिया नहीं इधर चुप रहा तकिया आधी का ले लीजिए तकिया से पूनम की पप्पी कल आई थी और आज जा रही है बाय बाय आंटी बाय आंटी विल मिस यू और देखो ईशा को ये छुप रही है मेरे पीछे पता नहीं क्यों छी हट जा रहे कपड़े का छी काले कपड़े में उजला चलो ईशा बाय बाय जाओ पढ़ाई करो जा पढ़ाई करो खाली भूत भूत जा पढ़ाई करो फैमिली कैसा लगा अच्छा स्टोरी था पर वो भूतिया नहीं वो इमोशनल था मजा आया बहुत ज्यादा अब खाना खा के सो जाएंगे सो अभी 9:25 हो गया लेट हो गया है हाँ एडिटिंग अभी तक स्टार्ट भी नहीं हुआ आज एडिटिंग में बैंड बच जाएगा कोई नहीं खाना खाते खाते एडिट करेंगे सो अभी खाने में मिला है रोटी और कटहल आलू का सब्जी ऐसे तो बैंगन आलू का सब्जी आता था या फिर बैंगन भिंडी का मतलब आलू भिंडी का एंड ये भी अच्छा है सो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब शेयर भी करना है एंड कीप सपोर्टिंग एज ऑलवेज डू लव यू ऑल बाय बाय वीडियो एंड करते क्योंकि बहुत थक गई हूँ अब जाऊंगी नहाऊंगी सो जाऊंगी बाय बाय एडिट करने के बाद अपलोड करने के बाद बाय बाय